my english folder an innovative approach to english learning class 8 section 2 the villain of the villain of peace non fiction complete explanation in hindi what constitutes a villain kis se villain banta hai if you ask yourself this question you would probably come up, come up with several answers ये क्वेश्चन अगर हम अपने आप से पूछेंगे तो उसके कई आंसर्स हमको मिलेंगे बट द जनरल परसेप्शन इज दैट इफ़ यू डू बैड थिंग्स यू आर विलेन पर ज़्यादा करके लोगों की यही सोच होती है कि अगर हम कुछ गलत काम करेंगे मतलब विलिन है बट हाउ डू यू जज अ बैड पर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आखिर बैड गलत काम क्या होता है वॉट इज़ बैड टू यू मे नॉट सीम बैड टू द पर्सन हु इज बींग कंसिडर्ड सो जो हमको गलत लगता है जो हम समझते हैं कि गलत है गलत बात है ज़रूरी नहीं है ये उस पर्सन को भी गलत लगे या हर एक को वो गलत ही लगे द माइड भी मिसगाइडेड बाय द सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ हो सकता है कि जो गलत काम कर रहा है उसको किसी ने मिसगाइड किया है उसको गलत रास्ता दिखाया है या उसकी लाइफ में ऐसे कुछ हालात आ गए हैं कि उसको वो गलत करना पड़ा हो दे आर नाट एप्सल्यूटली इनह्यूमन ज़रूरी नहीं है कि जो विलन है उनके अंदर इंसानियत ही ना हो दे आर जस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स जो विलेन्स हैं वो कई बार सिर्फ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं कॉम्प्लेक्स यानी जिनकी सोच एक सीधी सिंपल ना हो के कई बातों में सोच बटी हुई रहती है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स इन दिस सेक्शन वी प्रेजेंट सम ऑफ द पॉपुलर विलन फ्रॉम एलिजाबैथियन ड्रामा फॉर यू टू फॉर्म योर ओपिनियन इस चैप्टर में कई ऐसे विलन्स के बारे में बताया गया है एलि एलिज़ाबेथन के टाइम में जो ड्रामास लिखे गए थे उसमें बताया गया है जैसे कि हम अपना ओपिनियन बना सकें अलग अलग टाइप के के लिए द करेक्टर ऑफ द विेन इन एलिजाबेथियन ड्रामा द करेक्टर ऑफ द विेन इन एलिजाबेथियन ड्रामा एक कैरेक्टर्स जो हैं कई विलेंस के बताए गए हैं जो एलिजाबेथ क्वीन विक्टोरिया जो क्वीन एलिजाबेथ वन के टाइम में जो भी ड्रामास हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है बताया गया है वन ऑफ द मेजर करेक्टर्स इन मैनी फेमस प्लेस रिटर्न ड्यूरिंग एलिजाबेथन टाइम इज़ द विलेन कई ऐसे मेजर करेक्टर्स जो कई प्लेस कई ड्रामास उस टाइम पे लिखे गए थे उसमें कई विलेंस के बारे में लिखा गया था यूजअली द विलेन वांट्स रिवेंज बिकॉज ऑफ सम इंजरी डन टू हिम बाय अनदर अदर कैरेक्टर जो विलेन्स होते हैं मोस्टली उसमें यह दिखाया गया था कि उनको बदला रिवेंज यानी दूसरे से अपना बदला लेना किस चीज़ के बारे में जो उनको तकलीफ किसी ने पहुंचाई है जो इंजरी पहुँचाई है किसी दूसरे करेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर जो प्ले में है उसने अगर उसको तकलीफ पहुँचाई है उससे बदला लेने की जो भावना है वो विलेंस में बहुत ज़्यादा दिखाई गई है ही कुड़ बी एंग्री जेलस और एनवियस हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाए उस दूसरे करेक्टर से या उनके अंदर जलन की भावना ज़्यादा हो या अपना बदला लेने की भावना बहुत ज़्यादा रहती हो ऐसे जो है विलेंस उसका डिस्क्रिप्शन है ऑल ऑफ दिस वुड लीड टू हैटर्ड एंड बी अ मोटिव फॉर revenge. और ये सब जो भावना है उसके अंदर ज़्यादा होने की वजह से उनके अंदर नफरत भर जाती है दूसरे के प्रति और वो अपना सिर्फ मोटिव यानि एक एम बना लेते हैं कि वो उसको बदला लेंगे ही Jealousy इज़ अस वेरी strong मोटिव फॉर द विलेन Jealousy किसी से जलन की भावना रखना ये बहुत बड़ा मोटिव रहता था विलेन बनने का हु बिलीव हु बिलीव दैट अनदर कैरेक्टर हैज़ वॉट ही वॉन्ट्स वो विलेन का हमेशा ज्यादा करके ये दिखाया गया है कि उसका यही सोचना रहता था कि जो दूसरा कैरेक्टर है प्लेड में उसको वो सब कुछ मिला है जो वो चाहता है या फिर वो जो दूसरा है वो रिचर है और उससे ज्यादा सक्सेसफुल है इन सब चीजों की वजह से वो बदला लेना चाहते थे शैलॉक इन द मर्चेंट ऑफ वैनिस शेक्सपियर शैलॉक इज द विलिन एक प्ले है जिसका नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस मर्चेंट वैनि, ऑफ वेनिस ये किसने लिखा है शेक्सपियर ने उसमें एक विलेन है उस विलेन का नाम क्या है शैलॉक शैलॉक कौन था शैलॉक एक मनी लेंडर था मनी लेंडर यानी जो साहूकार होते हैं जो गांव में लोगों को इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं वैसा कैरेक्टर था शेलॉक का ही इज़ नॉट वेलकम्ड इन द सोसाइटी वो जो अच्छा इंसान नहीं था लोग उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे ही इज़ व्यूड विद अ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट उसको सब लोग शक की निगाह से और कोई भी उसको विश्वास नहीं करता था बाकी जो कैरेक्टर्स थे वो शैलॉग्स बिजनेस इज डैमेज बाय एंटोनियो शैलॉग का ये जो लोगों को पैसा और इंटरेस्ट पे देने का बिजनेस था वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था एंटोनियो ने क्यों क्योंकि हु लैंड द मनी बट डज़ नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट जो एंटोनियो था वो दूसरों को पैसा उधारी देता था पर इंटरेस्ट उनसे नहीं लेता था इसलिए लोग शैलॉग से पैसा लेने की बजाय उससे लेने लगे एंटोनियो एंड हिज बेस्ट फ्रेंड बेसोनियो हैव अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ शैलॉग एंटोनियो और उसका जो बेस्ट फ्रेंड था बेसोनियो उन दोनों का शैलॉग के बारे में सोच अच्छा नहीं था वो उसे गलत इंसान मानते थे बट दे गो टू हिम टू बोरो मनी वैन दे आर इन डिफिकल्ट सिचुएशन लेकिन उनको भी पैसा लेने के लिए उधार लेने के लिए शैलॉग के पास जाना पड़ा जब उनकी कंडीशन ख़राब थी सिचुएशन ख़राब थी शैलॉग फील्स डेट ही हैज़ बीन बैडली ट्रीटेड बाई एंटोनियो शैलॉग जो था वो अच्छे से जानता था और बैडली उसके साथ गलत व्यवहार करते थे एंटोनियो ये बात वो अच्छे से जानता था उसने इसको एक अपॉर्चुनिटी मानी एक तरीका माना सीज़र्स मतलब एक अपॉर्चुनिटी मानी एक कैप्चर किया तरीका कि अपना बदला लेने का गेट हिज ओन बैक यानी अपना जो बदला लेने का ये एक तरीका मिल गया उसको कि वो उनको पैसा देखें और उनको नीचा दिखाएगा ये सोच के उसने उनको पैसे दिए नेक्स्ट इज क्लाउडियस Claudius is a क्लाउडियस इज द पावर हंग्री play Hamlet. Shakespeare का एक दूसरा भी play है जिसका नाम है Hamlet. उसमें Claudius जो था power अपने पास चाहता था हमेशा बहुत आगे रहना चाहता था powerful इंसान बना रहना चाहता था He poisoned his own brother King Hamlet of Denmark. उसने अपने खुद के भाई जिसका नाम था किंग Hamlet जो डेनमार्क का राजा था उसको जहर दे के मार दिया एंड मैरीज़ इज विडोट गैट्रीड और उसकी जो विडो है उससे उसकी जो विधवा थी उसकी जो वाइफ थी उससे उसके शादी कर ली एंड असेंस और खुद डेनमार्क का राजा बन गया द थ्रोन ऑफ डेनमार्क अ करप्ट पॉलिटिशियन ये जो इसके बारे में बताया जा रहा है क्लाउडियस वो एक करप्ट पॉलिटिशियन था हर जगह पे करप्शन किया करता था मैन्युपलेट्स एवरी वन अराउंड चीजें अपने मतलब के हिसाब से बदलता और किसी भी कीमत पे अपनी जरूरतों को अपनी इच्छाओं को पूरा करता ऑल द शो टू बी रिमोर्सफुल लेकिन हाँ उसको फिर भी प्ले में एक सॉरी फील करने वाला इंसान दिखाया गया है ही डज नॉट बैक डाउन टू गिव अप कभी भी किसी के सामने झुका नहीं और अपनी हार नहीं मानी वॉट ही अर्न थ्रू सिन एंड क्राइम न ही उसने किसी को वापस किया जो भी उसने अपने पाप से और क्राइम करके कमाया था ही इवन टू किल द किंग्स हेमलेट सन इवन उसने अपने जो राजा थे उसके बेटे को भी मारने की कोशिश की जिसका नाम था प्रिंस हैमलेट द राइटफुल सक्सेसर वो एक्चुअली असली उत्तराधिकारी थे राजा के यानी उस राजा का जो बेटा था वही राजा बनता था उस जमाने में तो प्रिंस हैमलेट जो थे उनको राजा बनना चाहिए था उसको भी उसने मारने की कोशिश की वैन ई रियलाइज दैट प्रिंस हैमलेट इज़ अवेयर ऑफ हिज पार्ट इन ओल्ड किंग हेमलेट डेथ जब उसको ये बात पता समझ में आई कि जो प्रिंस हैमलेट है वो अच्छे से जानते हैं कि जो पुराने राजा है उसको कैसे और कि, किसने मारा है वैन क्लाउडियस प्लॉट इसके बाद क्लाउडियस ने एक प्लॉट एक आइडिया निकाला कि किंग प्रिंस हेमलेट जो है उसको मारने के लिए उसने ऑर्गेनाइजिंग ए फेंसिंग उसने एक तलवारों की मैच ऑर्गेनाइज की और वो मैच किसके साथ की प्रिंस हैमलेट की लैरटस के साथ लेकिन ये जो प्लान है वो उसको खुद के ऊपर भारी पड़ गया प्रिंस हैमलेट उसमें जीत गए एंड ही प्लान्स बैक और उसने एक खुद एक प्लान बनाया और हेमलेट ने क्लाउडियस को मार गिराया कैसे उसको पॉइजन पिला के जो उसके लिए बनाया गया था जो एक्चुअली प्रिंस हेमलेट को पिलाया जाना था वो पॉइजन उसने क्लाउडियस को पिला के और उसको ख़त्म कर दिया तब जो क्लाउडियस है उसने एक फेमस लाइन कही थी वो थी ओ माई ऑफेंस ओ मेरे गुनाह इस रैंक इस तरीके से रहें कि इट्स स्मेल्स टू हैवन यानी मैंने अपने खुद के भाई को मारा है तो मेरे गुनाह मेरे साथ ऊपर भी ऊपर तक भी चलकर आएंगे नेक्स्ट इज़ बैरबस बैरबैस इज़ द वेल्दीएस जू इन माल्टा बैरबस एक इंसान है जो बहुत अमीर जू उसकी कास्ट है वो उस जगह पे रहता था उसका नाम था माल्टा एंड अ सक्सेसफुल मर्चेंट वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी था उसकी बहुत सारी शिप्स थी जो क्रूजिंग मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक जगह से दूसरी जगह सामान कैरी करती थी एज करेक्टराइज इन द जूज ऑफ़ माल्टा और ये सब जो कैरेक्टर्स हैं वो प्ले में है जिसका नाम है द जू ऑफ माल्टा उसको लिखा किसने है उसको लिखा है क्रिस्टोफर मार्लोवे Mar ने इनिशियली ही शोन सिंपली अ होल्डर ऑफ मनी शुरू में बारबास का जो कैरेक्टर है वो एक सिर्फ पैसे को जमा करने वाला कंजूस बहुत ढेर सारा पैसा जमा करने वाला दिखाया गया है हु लव टू स्पेंड हिस्ट टाइम काउंटिंग इट जो अपना पूरा टाइम सिर्फ पैसे गिनने में बिताना पसंद करता था इवन पिक्चर ऑफ बिंग जमा करता पैसे काफ़ मनी वो सिर्फ तभी हंसता था जब वो अपने पैसों भरी हुई बैग का पैसा अपने पास देखा करता था बट वेन द गवर्नर ऑफ माल्टा लेकिन जब गवर्नर ऑफ माल्टा जिसका नाम था फर्नीज ऑर्डर द टर्क ट्रिब्यूट विल बी पेड इंटायरली बाई माल्टूलेशन ही अनफेयरनेस ऑफ इट ऑल जब गवर्नर ऑफ़ माल्टा फर्नीस ने यह ऑर्डर दिया कि जो टर्किश लोग हैं उनको ही सारे के सारे पैसे ट्रिब्यूट यानि कहने का मतलब होता है ट्रिब्यूट यानी पेमेंट मेड पीरियोडिकली बाई वन स्टेट और द रूलर टू तो अनादर जो पैसे एक देश के लोग दूसरे लोगों को दिया करते हैं उस वो जो ट्रिब्यूट है वो जो है वो सिर्फ जूश को ही तर, टर्किश ट्रिब्यूट जो है वो सिर्फ जूस को ही देनी है जब ये बात बोला गया तो इंटायरली बाय माल्टास जूस की पॉपुलेशन को ही ट्रिब्यूट चुकाना था तो उसे ये एक उनके प्रति अनजस्ट अनफेयर लगा उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था इसकी वजह से उसने जब उसने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई इसके खिलाफ उसने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नर ने उसके सारे पैसे ले लिए उसका फॉर्चून यानी उसकी सब चीज़ें उससे ले ली गई जिसकी वजह से जो बैराबस था वो क्रूअल और इविल इंसान ख़राब इंसान बन गया और उसने प्लान किया कि वो रिवेंज लेगा बदला लेगा फर्नीस से और टाउन ऑफ माल्टा के सभी लोगों से भी विद द अनस्क्रूपलस उसने अपने मन में बहुत डिसऑनेस्टी रखी और अटेंशन इंटेंशन उसके अंदर अपने क्रूरता भर के उसने अपने प्लान को स्टार्ट किया ही स्टार्ट प्लानिंग अब तो उसने सारे विक्टिम्स जो जो उसके लिए उसको जिम्मेदार लगते थे उनको मारना शुरू किया बहुत गंदे और स्ट्रेंज तरीकों से ही थिंक्स इट इज़ नो सिू यूज़ अदर पीपल उसको इस बात के लिए किसी और को यूज़ करना भी पाप नहीं लगता था इवन उसके लिए उसने अपनी बेटी और उसकी जो स्लेव थी उसकी गुलाम थी इथमोर उसको भी उसको हत्े चढ़ा दिया अपने रिवेंज के कारण He poisons the people and public well in order to get his revenge। उसने कई लोगों को जहर दे के मार दिया इसके अलावा जो पब्लिक का कुआं था उसमें भी जहर डाल के कई लोगों को मारने की कोशिश की बैरबस डाइज बाय फॉलोइंग प्रे टू हिज ओन मेथड। बैरबस ने इतने गलत मेथड यूज़ किए कि आखिर खुद ही उसमें गिर के मर गया लेगो लेगो इज अ कैरेक्टर इन द विलियम शेक्सपियर उथैलो एंड इज द मेन एंटागोनिस्ट इन द प्ले जो लेगो था वो एक वो भी एक विलियम शेक्सपियर का लेगो इज अ कैरेक्टर लेगो एक कैरेक्टर का नाम था विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्ले जिस प्ले का नाम था ओथेलो, उसमें लेगो को एक एंटागोनिस यानी विलेन का रोल दिया गया था द लेगो हेट्स ओथेलो लेगो जो है वो ओथेलो से नफरत करता था क्यों क्योंकि वो ये क्लेम करता था बिकॉज ही हिमसेल्फ क्लेम जो ओथेलो है उसने उसकी तरफ ध्यान न देके उसको लेफ्टिनेंट रैंक न देके और माइकल कैसियो एंड वाइल प्रोमोटिंग उसने माइकल कैसियो को लेफ्टिनेंट का रैंक दे दिया सेना में उसको आगे नहीं बढ़ाया जिसकी वजह से ही प्लान्स टू हैव द डिमोटेड इसलिए उसने प्लान बनाए और कैसीओ का डिमोशन करवाया उसकी पोजीशन को नीचे गिरा दिया और उसको इतना गिराने के बाद टू लेटर डिस्ट्रॉय ओथेलो हिमसेल्फ इसके बाद फिर उसने आगे प्लान बनाया कि वो ओथेलो को भी ख़त्म कर देगा उसको भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा जब उसने प्लान बनाए तो वो कैसीओ को डिमोशन करने में सक्सेसफुल रहा उसके साथ उसने ड्रंक करके उसके साथ बहुत झगड़ा किया जिसकी वजह से कैशु, कैशु का भी डिमोशन हो गया उसके पोजीशन नीचे हो गई आफ्टर ही विच आफ्टर विच ही सेट्स आउट टू पुट द दैकेंड प्लान इंटू एक्शन ये प्लान के सक्सेसफुल होने के बाद उसने दूसरा प्लान एक्शन में लाने के लिए सोचा दैट ऑफ डिस्ट्रॉय ओथैलो जिसमें उसने ओथैलो को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोच कर रखा था और उसने डिस्ट्रॉय करने के लिए ओथैलो को ये बिल्कुल विश्वास दिला दिया कि जो उसकी वाइफ है जिसका नाम है डेस्डे उसका अफेयर है कैसीों के साथ डिस्पाइट द कम्पलीट और जो ओथेलो था वो बहुत ज़्यादा उस पर ट्रस्ट करता था द ओथेलो हैज ट्रस्ट इन हिम उसने लेगो को तो भी बिल्कुल भी तकलीफ नहीं पहुँची वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं हुआ अपने ट्रस्ट को तोड़ने के लिए उसने अपने विश्वास को तोड़ दिया और ख़ुद को बिल्कुल साफ सुथरा दिखाया लेगो को इवन ऑनेस्ट लेगो तक के बोला जाता था लेकिन वो ऑनेसट नहीं था वो एक स्कीमर था वो हमेशा स्कीम्स बनाना रह, बनाता रहता था वो ऐसी स्कीम्स बनाता था ऐसे मैन्यपुलेट करता था कि अदर्स डू टू थिंक इन अ वे उस लोगों को अपने तरीके से सोचने पे मजबूर करता था और हर जगह पे अपना फ़ायदा कमाने की कोशिश किया करता था अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो वो चाहता है उसको अचीव करने के लिए लेगो सिम्स रिस्पॉन्सिबली इस पूरे प्ले में लेगो ही रिस्पॉन्सिबल दिखाया गया है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी डेथ हुए हैं इस प्ले में नो नेक्स्ट इज आरोन आरोन इज द मूर इन शेक्सपियर्स टाइटस एंड्रोनिकस एंड द इविल मास्टर माइंड बिहाइंड द प्लान टू डिस्ट्रॉय द एंड्रोनिकस फैमिली आरोन एक मूर है मूर क्या होता है इट इज़ अ मेंबर ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन मुस्लिम पीपल ये एक मेंबर है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन मुस्लिम पीपल का हैविंग मिक्स्ड बर्बर एंड अरबन अरब डिसेंट के लोगों का मिक्स माना जाता था ये एक शेक्सपियर द्वारा लिखा गया प्ले है जिसका नाम है टाइटस एंड्रोनिकस और जो उसमें पूरी तरीके से जो इविल यानि गंदा दिमाग जिसका बताया गया है उसका ये दिमाग है कि वो पूरी तरीके से एंड्रोनिकस फैमिलीज़ को बर्बाद कर देना चाहता है डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है ही इज़ ऑल्सो द सीक्रेट लवर ऑफ़ तैमोरा और ये भी बताया गया है कि ये जो आरोन है वो तैमोरा को अंदर ही अंदर बहुत प्यार भी करता है द क्वीन ऑफ तैमोरा कौन थी वो थी क्वीन ऑफ गोथ

सेक्रीफाइस करा दिया उसकी जान ले ली अपना बदला चुकाने के लिए द डेथ ऑफ इज ओन टैमोरा अपने, अपने आप को बचाने के लिए उसके तीन बच्चों बेटों को ज, जान गंवानी पड़ी टैमोरा वूव रिवेंज अब तैमोरा जो है वो बदला लेना चाहती है शी यूज आरोन टू प्ले हर रिवेंज उसने आरोन आर ओन कोज उसने आरोन को रिवेंज प्लान करने के लिए बोला आरोन स्कीम्स स्कीम उस के उस। आरोन की जो स्कीम्स है उसने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया एंड्रोनिकस फैमिली में एंड दैट लीव्स द और इतना कन्फ्यूजन इतना प्रॉब्लम आ गया एंड्रोनिकस फैमिली में कि जो टाइटस है उसकी जो खुद की बेटी है जिसका नाम था लविनिया वो पूरी तरीके से म्यूटिलेटेड हो गई यानी वो वॉलेंटली डिसफिगर्ड हो गई इसमें और उसकी इंजर्ड हो गई वो आई इवन उसका जो बेटा है उसको भी डेथ सेंटेंस दे दिया गया मरने की पोजीशन पे आ गया वन ऑफ द डार्केस्ट एंड द कनिंग विलन ऑफ शेक्सपियर और ये जो था वो एक बहुत ख़राब विलन था शेक्सपियर के प्ले में एंड is शोन टू हैव a हैंड इन मच ऑफ वायलेंस इन द प्लेन और पूरे प्ले में जहाँ भी लड़ाई झगड़ा वायलेंस होता है उसमें हारोन्स का ही हाथ दिखाया गया है He is portrayed to displays no regret, regret for his deeds. उसको अपने किए पे कहीं पे भी किसी तरीके का कोई पछतावा नहीं था In fact admits that. और इसके अलावा यह भी बोलता था कि अगर उसको फिर से ज़िंदा रहने का चांस मिला तो वो और क्राइम्स करेगा कैलिबन कैलिबन इस इज़ स्लीव कैलिबन एक प्रोस्पैरो जो है उसका गुलाम था और एक प्राइमरी एंटागोनिस्ट यानी प्राइमरी विलेन था विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए एक प्ले में जिसका नाम था टेम्पेस्ट वो जो कैलिबन था वो एक हाफ ह्यूमन सन और विच साइकोरेक्स एंड इज द आइलैंड्स ऑन दी नेटिव जो कैलिबन था वो आधा इंसान था और आधा विच सैकोरेक्स का बेटा बेटा था और वो उस आइलैंड में वो जिस आइलैंड था उस आइलैंड का अकेला नेटिव था और रहने वाला था कैलिबन इज फोर्स टू बिकम अ स्लेव आफ्टर एंड इज डॉटर मेरिंडा अक्यू द आइलैंड ऑन विच ही लिव्स लिव्स कैलिबन जिस आइलैंड पे रहता था उसको वहाँ जाके प्रोस्पैरो और उसकी बेटी जिसका नाम है मिरिंडा उन्होंने जाकर उस आईलैंड को अक्यूपाई कर दिया और कैलिबन को अपना गुलाम बना दिया जबकि कैलिबन वहाँ अकेला नेटिव था रहने वाला था आई इनिशियली द प्रोस्पैरो ट्रीट्स कैलिबन वेल शुरू शुरू में कैलिबन के साथ अच्छा व्यवहार करता था एंड इवन टीचर्स हिम टू स्पीक इवन उसको बात करना भी सिखा रहा था इन स्लेव हिम वेन ही ट्राइज टू रेप लेकिन उसको फिर उसने गुलाम बना के रख दिया उसके साथ बुरा व्यवहार शुरू कर दिया वो आइलैंड पे बहुत सारे कैलिबंस को पैदा करना चाहता था इसके लिए उसने उसकी बेटी के साथ रेप करने की कोशिश की फ्राम देयर ऑन प्रोस्पैरो ट्रीट्स सम हार्शली लेकिन जब प्रोस्पैरो ने यह सब देखा तो उसने कैलिबन के साथ व्यवहार खराब कर दिया कैलिबन सिंग दैट थिंग्स दैट हिज बींग टर्न इंटू अ स्लेव फॉर अनजस्ट कैलिबन का ये सोचना था कि उसको जो गुलाम बनाया गया है वो उसके साथ अन्याय किया गया है बिकॉज ही वॉज प्रैक्टिकली द ओनर ऑफ द आइलैंड क्योंकि वो तो एक्चुअली उस आइलैंड का ओनर था प्रोस्पैरो के आने के पहले ही ही टेक्स ऑन अ न्यू मास्टर उसने एक नया मास्टर ढूँढा जिसका नाम था स्टैफेनो ऑन वन ऑफ द सर्वेंट्स फ्राम द शिप फ्रैक एक शिप टूट के आई थी वहाँ के एक सर्वेंट को एंड ही ट्राइज टू गेट द बेटर ऑफ प्रॉस्पेरो एंड इवन प्लाट्स टू किल हिम उसने उसको प्रॉस्पेरों से अच्छा समझा और प्रॉस्पैरों को मारने की कोशिश की लेकिन बाद में उसने रियलाइज किया कि जो स्टेफेनो है वो प्रोस्पेरो से कहीं तरीके से कोई मैच नहीं रखता प्रोस्पेरो बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड रिट वो वापस प्रोस्पेरो के पास आ गया उसका स्लेव बन गया थ्रू आउट द प्लेस पूरे प्ले में ये दिखाया गया है कैलिबेन जो है वो इंसोलेंट है इंसोलेंट मतलब शोइंग रूड और गंदा बिहेवियर बता रहा है एरोगेंट बताया गया है एंड रिबेलियस बगावती है हर एक से आपोज कर देता है एंड मेंटेन्स दैट प्रोस्पैरो ट्रिक्ड हिम टू क्लेम द आईलैंड और वो पूरी देर प्रॉस्पैरों को यही बोलता रहता है कि तुमने चाल चल के मेरे से ये आइलैंड को छीना है